कब्बे हो गया, 5-6 साल हो गया। मानेंगे जो नवरत्न की तरह दिखते हो ना, ले कब्बे हो गया। उठा के ठोक देंगे भी इसकी मूड पर। देखो वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास, जीवों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, ये तो पहले ही जानते हो। और वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। और जीवों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला ए नैमा का मतलब होता है कि वे जीव जंतु जिनके अंदर लाल रक्त नहीं पाया जाता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। दो तरह के रक्त होते हैं, एक WBC एक RBC, रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है वह किसके अंतर्गत आते हैं? एनाइमा के अंतर्गत, जैसे नाइडेरिया, मोलस्का, आर्थोपोडा आदि, ठीक है। और अगला ई नैमा, वे जीव जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, जैसे कशेरुकी जंतु, मतलब कशेरुकी में हम लोग आते, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, केचुआ, बकरी आदि, ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है? लाल रक्त पाया जाता है। समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत है? आ रहा है ना समझ में? ठीक, अब कल से होमवर्क देना शुरू कर।